हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस ड्रामे का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम देखते हैं लैन जो रहती है ये गेम जीत गई होती है। सभी लोग जाकर लैन का तारीफ करते हैं। यह सुनकर लैन बहुत ज्यादा खुश होती है। उसी टाइम दो कमेटी का आदमी आते हैं, उन दोनों को बुला कर लेके जाते हैं। कमेटी के लोग बोलते है की रात में शाही लिन के रूम में गया था जो हम लोग का रूल के खिलाफ था, इसीलिए लिन को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। यह सुनकर शाही सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। वो बोलता है की सारा मेरी गलती है और कमेटी से बहुत ज्यादा माफी भी मांगता है। वो बोलते हैं मुझे डिस्क्वालीफाई कर दो। लिन ये सब सुनकर बहुत ज्यादा रो रही थी तो साई उसको हक कर उसको काम डाउन कराता है। साई को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा था क्योंकि सारी गलती तो उसी का था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन का मैच रहता है और साई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है। एक्साइटमेंट पे वो अंकल का चीख गिरा देता है, फिर उसे माफी भी मांगता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन ये मैच जीत चुकी है। मैच जीतने के बाद साई लिन से मिलने जाता है। लिन भी उधर से आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं कि लैन इस पार्ट उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं चैंग मियाओ को मिस लू का कॉल आता है। ही यू का इंटरव्यू लेने के लिए बोलता है जो गर्ल गो गेमर थी। यू का मुलाकात जिन जू से होता है और वो यह भी बताती कि ये टूर्नामेंट उसके लिए वो ज्वाइन की है और वो ये भी बताती कि उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है। तो अंकल यान उसे बताते कि तुम्हें पता नहीं है कि जेन किसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो बोलती है मुझे पता है। तभी वहाँ पे चैंग आ जाती है, उसका इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है, पर वो उसका भी एक कंडीशन रखती है, अगर जिनचू उसका इंटरव्यू लेगा तो इंटरव्यू देगी। फिर चेंचू को तो कोई ऑप्शन नहीं था तो वो जेंग को मनाती है, वो मान जाता है ईयू का इंटरव्यू लेने के लिए। जब चेंचू युवान का इंटरव्यू ले रहा था तो वो सवाल पूछ रहा था तो वो ऐसे आंसर दे रही थी जो बिल्कुल भी उसको कंफर्टेबल नहीं था। वो वहाँ से जाने लगता है। फिर बड़ी मुश्किल से चैन में उसको मनाती है, फिर से इंटरव्यू लेने के लिए बोलती है। इंटरव्यू होने के बाद जेन चैन से पूछता है कि तुमको थोड़ा भी जेलस फील नहीं हो रहा है? चिंचू बोलती कि मुझे भला क्यों जेलस होगा, क्योंकि मुझे तुम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। फिर उसको प्यार से हग कर लेती है। और चैन मियाओ ये भी बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जो सारी लड़की तुम पर मरती है पर तुम मुझ पर मरते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चिंचू और इवान का मैच हो रहा था। यू भी अच्छा कॉम्पिटिशन दे रही थी पर लास्ट में हमारा हीरो ये मैच जीत जाता है। ये देख के चैन मियाओ बहुत ज्यादा खुश होती है। वो वापस आती है तो मिस लू को रेजिग्नेशन लेटर वो दे देती है। मिस लू भी उसको अच्छे से विशेस करके गुड बाय बोलते हैं। मिसेस सू भी उसको गुड बाय बोलता है और उसकी फ्रेंड भी थोड़ी सी मोस्टर के साथ उसको भी गुड बाय बोलती है। ऑफिस से पिक करने के लिए जेन चू भी वहाँ पे आया होता है, साथ में उसे फ्लावर भी देता है। दूसरी तरफ लिन और साहब को दिखाया जाता है। लिन बोलती है कि जब तक मैं गो गेम में और भी इम्प्रूवमेंट नहीं करती मैं रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हूँ। और शाही उदास होकर ये बात मान ही लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जू और चैन मियाओ दोनों रेस्टोरेंट को अच्छे से डेकोरेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिन चू और मास्टर शाही दोनों साथ में बैठ गो गेम खेल रहे होते हैं और जिनचू मास्टर साई को बताता है कि चैन मियाओ की वजह से वो कलर अब देख सकता है। मास्टर साई बोलते हैं बहुत अच्छा बात है और उसे साइकाट्रिस्ट से मिलने को भी बोलते हैं। यह बात पीछे छुपकर याहो सुन रहा था। फिर जिनचू को पता चलता है जेन से कि वो एक कॉम्पिटिशन के लिए अब्रॉड जाने वाला है। तो चैन जेंग से पूछती है यूही भी जाने वाली है, क्योंकि चैन मियाओ इस पर जेलस फील कर रही थी। यूही जेंग के साथ पार्टनर बन के जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं याहो की अपने ब्रदर को बोलता है कि जेंचू साइकेट्री से मिलने जा रहा है तुम उसका पीछा करो। वो वैसा ही करता है। जब जेंचू साइकेट्री से मिलने जा रहा था उसका पीछा करता है और बहुत सारा फोटो भी क्लिक करता है। जेंचू साइकेट्री से बोलता है कि जिस लड़की को कलरफुल देखा था वो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। तो साइकेट्रिस्ट पूछते है कि तुमने उसे क्या बताया कि उसे सब कलरफुल देखते हो। जेंचू बोलता है कि मैंने अभी तक तो नहीं बताया पर सही मौका आने पर मैं बता दूंगा। तो साइकेट्रिस्ट बोलता है कहीं लेट ना हो जब बता देना। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यूही चैन मियाओ से मिलने के लिए आई होती है और यूही चैन को बताती है कि उसको बॉयफ्रेंड बना लेगा, वो उसके संग टाइम स्पेंड करने वाली है। यह सुनकर चैन मियाओ को तो जलस हो रहा था पर उसे सो नहीं कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं चैन मियाओ जेन से मिलने चली जाती है और बहुत ज्यादा अपसेट रहती है। तो जिनचू बोलता है कि टेंशन मत लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और नेक्स्ट मॉर्निंग चैन मियाओ जिनचू को सीएफ करने के लिए आई होती है। उसे पता चलता है कि यूही और जिनचू एक ही कार में जाने वाले हैं तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। वो सो नहीं करती है और उसको हग करती है और जिनचू उसे फॉरहेड किस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूही बहुत सारा कोशिश करती है अटेंशन पाने का जेंचू को पर उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दूसरी तरफ वो साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है और बातों बातों में उससे पता करवा ही लेता है कि
जेनजू उसका पेशेंट है, उसे कलरफुल वाला प्रॉब्लम है। उसका ये प्लान था जेनजू और चेंग मियाओ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का। उसी तरफ हम देखते हैं चेंग मियाओ जेनजू से फोन पर बातें कर रही होती है, तभी यूं ही खाना लेकर आती है जेनजू के पास, उसके हाथ से फोन ले लेती है और चेन से बातें करने लगती है। जेन उसे बोलकर जल्द निकाल देता है वहाँ से। वे लोग दावत पर आए थे खाने के लिए, एक्चुअली यह प्लान योकिंग का था। वो सबके सामने साइकेट्रिस्ट के बारे में बात करता है और चेन को सुनकर बुरा लगता है क्योंकि जेंग उसको कभी इसके बारे में नहीं बताया था। रात में लोग वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, पर चेंग थोड़ा सैड होती है क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के बारे में जेंग उसको नहीं बताया था, पर वो कुछ नहीं पूछती है। इसके बाद हम देखते हैं यूही और जेंग का सब इंटरव्यू ले रहा था। इसके बाद लोग का पिक ले रहे थे तो यूही जबरदस्ती जेंग का हाथ पकड़ लेती है। जेंग गुस्सा होकर हाथ छुड़ा कर वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग का गेम स्टार्ट होता है। वो लोग बहुत अच्छा कंपटीशन देते हैं, लेकिन लास्ट में वो दोनों गेम जीत जाते हैं। गेम जीतने के बाद वो लोग फोटो शूट कराते हैं तो यू जिनचू को देखता है जो अपना हाथ पीछे किया हुआ था और जल्दी से वहाँ से चले जाता है। तो चैन मियाओ उन लोगों को जीतने पर बहुत ज्यादा खुश होती है। यूही फिर से जेंग के पास जाती है, लेकिन जेंग हमारा हीरो फिर से उसको पत्ता नहीं देता। वो बोलती रहती है, उसके सामने वो दरवाजा बंद कर देता है। यूही अपने रूम में बैठी होती है, वो बहुत ज्यादा सैड होती है जिनचू से। तभी अचानक उसके फोन पे कोई मैसेज करता है, वो जो मैसेज देखती है और फिर इमिडिएटली चैंग को कॉल करती है। तो चैंग भी सोचती कि ये मुझे क्यों कॉल कर रही है। यूही चैंग को बताती कि मुझे एक फैन का ईमेल मिला है और वो मुझे बताया है कि चैंग कलर ब्लाइंड है, जो पूरा दुनिया में एक ही लड़की को कलरफुल देख सकता है जो तुम हो। और उसे तो डॉक्टर ने भी एडवाइस दिया था दिन भर में 3 बार तुम्हें देखे। बोलती कि मैं तुम्हें चैलेंज दिया था ना कि चैंग मेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा, अब मैं चैलेंज को वापस लेती हूँ, अब मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। चैंग इसे सुनकर उसको बहुत बुरा लगता है। उसे तो यही लगता है कि जेन उसे प्यार नहीं करता, वो अपने आप को ठीक करने के लिए बस उसको उसका इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में चेंग साइकेट्रिस्ट से मिलने जाती है और वो पूरा कंफर्म हो जाती है कि यूही उसे झूठ नहीं बोली थी। वो ये सब के बारे में अपनी फ्रेंड को ही बताती, पर फ्रेंड उसको दिलासा देती कि ऐसा कुछ नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। चेंग मियाओ बोलती कि मैं जितना चाहती हूँ कि इसके बारे में ना सोचूं, मेरे दिमाग में उतना ही ये बात घूमे जा रहा है। और वो ये भी कहती कि ये सब जिनचू का गलती है, मुझसे ये बात उसको छुपानी ही नहीं चाहिए थी। रात में जेंगचू चेंग मियाओ को बहुत सारा मैसेज करता है, पर चेंग मियाओ देखकर उसको कोई रिप्लाई नहीं देती है। तो चेंग को लगता है कि शायद वो सो गई होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में जेंग का फ्लाइट रहता है, उसे पता चलता है कि यूयान उसके साथ नहीं जाएगी और जेंग चेंग को मैसेज करता है कि मैं आज वापस आने वाला हूँ, फिर मैं तुमसे मिलूंगा। चेंग मियाओ भी ओके बोलकर छोड़ देती है। और दूसरी तरफ जेंग को भी समझ में आ गया था कि चेंग कोई ना कोई बात से परेशान जरूर है, इसीलिए वो उसको इग्नोर कर रही है। चेंग भी चेंग ली के ऑफिस जाता है तो वहाँ पे देखता है वो दोनों साथ में बैठ के खा रहे हैं। जेंग भी वहाँ पे आ जाता है और दोनों बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। तभी चेंग ली उन दोनों को सामान पैक करके बोलती है, तुम लोग जाओ यहाँ से। जब चेंग सामान पैक कर रहा था तभी उसके हाथ का एक सेट गिर जाता और टूट जाता है। इस बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। चेंगली उन दोनों को फाइट रोकती है और सू को वहाँ से जाने को बोलती है। वो अकेले में जियान पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और उसे जाने को कहती है। सचमुच एक नंबर का ढक्कन था, जब भी कुछ करता उल्टा ही हो जाता है। जब जेंग जा रहा था तभी उसको जियान का कॉल आता है, उसे अपने पास बुलाता है। वहाँ पे जाता है तो देखता है कि जियान ड्रंक कर बहुत ज्यादा टूल हो गया था। फिर चैन एक आदमी के साथ गो गेम खेलता है और वो ड्रिंक भी करता है, जिसकी वजह से वो दोनों ड्रिंक करके टुल्लू हो गए थे। फिर वो दोनों कॉल कर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाते हैं। फिर वो दोनों बहनें उन दोनों को लेने के लिए आई होती है। चेंग मियाओ जेंग को संभालती है और चेंग ली जेंग को संभालती है। चेंग मियाओ जिनचू को उसके घर लाई होती है। फिर चेंग जेंग से पूछती है, क्या मैं तुम्हें ही कलरफुल दिखती हूँ? तो जेंग बोलता है हाँ। फिर चेंग पूछती है, तुम मेरे साथ इसलिए रहते हो क्योंकि मैं तुम्हें कलरफुल दिखती हूँ? जेंग ना बोलता है, फिर भी वो नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ हम देखते हैं जियांग चेंग जी से बोलते है कि प्लीज तुम मुझे लाइक करना स्टार्ट कर दो, पर वो मना कर देती है। फिर उसको पकड़ कर किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेंग ये बात सभी डोजो मेंबर को बता देता है। लिंग तो इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है जेंग पर और चेंग मियाओ का साइड लेती है और ये भी कहती है, ये सब तुम्हारी गलती, तुम्हें पहले चेंग मियाओ का इसके बारे में बता देना चाहिए था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेंग मियाओ के पास जेंग पहुंचा होता है। वो बार बार माफी मांगता है पर चेंग मियाओ से कोई बात नहीं सुनती है। इसके बाद हम देखते हैं जियांग चेंग मियाओ को एक आइडिया देता है चेंग मियाओ को मनाने के लिए। सब लोग चेंग
मियाँ के घर के बाहर खड़े थे, जिसमें चैन एक पत्थर उठाता है विंडो से अंदर फेंकता है। उसकी वजह से चैन के पापा को सर पे चोट लग जाता है। चैन बाहर देखती है तो बस वहाँ पे जिंचू खड़ा रहता है, वो लोग तो वहाँ से भाग जाते हैं। उस टाइम चैन को जिंचू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है इस हरकत की वजह से। इस बेचारा का तो कोई गलती भी नहीं था। अब फिर सेकेंड टाइम शाही आइडिया देता है जिंचू को, फिर वो बोलता है कि नकली चोर को बोलकर चैन मियाँ का बैग चोरी करा देंगे, फिर उसके सामने तुम हीरो बनकर जाना और बैग वापस दे देना, जिससे वो मान जाएगी। और नेक्स्ट दिन वो लोग वैसा ही करते हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। उसको जाने से पहले एक असली चोर चैन मियाँ का बैग ले लेता है। जिंचू को पता नहीं रहता, वो उसका पीछा करने लगता है। फिर वहाँ पे रियल चोर और नकली चोर के बीच में फाइट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग पुलिस स्टेशन रहते हैं, जहाँ पे चैंग जी और चैंग मियाओ आई रहती है। वहाँ से छुड़ाती उन लोगों को लेकर जाती है। अब तो चैंग मियाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन शाही बोलते है कि सारी गलती मेरी थी, लेकिन चैंग मियाओ किसी की बात नहीं सुनती, वहाँ से चली जाती है। इसके बाद देखते ही दोनों का प्लान तो फेल हो गया था। अब अंकल का बारी आता है, वो चैंग मियाओ के साथ एक रोमांटिक वाला डांस करने को कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो यहाँ पर डांस करने के लिए खड़ा होता है, भी कुछ गड़बड़ हो जाता है जो चैन मियाँ गुस्सा आकर वहाँ से जाने लगती है। फिर जिंचू से रोकता है तो चैन मियाँ बोलती है, अगर तुम मुझसे रियल में प्यार करते हो तो तुम मुझे एहसास कराओ कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तुम अपना आइडिया इमोशन दो, मुझे कन्फेंस करो, सिंसियरली तुम मुझे प्रूव करो अपना प्यार, और तुम दूसरे का आइडिया प्लीज मत लो। लेकिन चैन मियाँ तो जिंचू से सचमुच प्यार करती थी, वो चाहती थी कि उसे इजहार करे। फिर रात में लिन जिंचू के पास आती है, उसे समझाती है अपना लव सिंसियरिटी के साथ प्रूफ करो। फिर जिंचू का आइडिया आ ही जाता है किस तरह कन्फेस करेगा चैंग मियाओ के सामने। दूसरी तरफ देखते हैं चैंग मियाओ को टियान की मम की कॉल आता है और बोलती है कि वो तुम्हारे साथ म्यूजियम जाना चाहता है, गो गेमर का डॉक्यूमेंट्री मूवी देखना चाहता है। वो उसके साथ जाती है। स्टेडियम में जब बैठ रही है तभी वहाँ पे चैंग का मैसेज आता है। तब वो जाती है तो सब अपना फोटो देखती है जो चैंग मियाओ उसको क्लिक किया था। फाइनली जिंचू अपना ट्रू फीलिंग इजहार करता है। चैन मियाओ ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे माफ कर देती है और हग भी करती है। यह पार्ट हमारा यही खत्म होता है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय सारंगे।